ये हेलमेट यहाँ पे कौन रख दिया यार? अरे भाई यार, ओ सेट 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 सेट। अरे यार कहीं फूटा तो नहीं? एक सेकेंड यार, मुझे पापा बहुत डांटेंगे यार। एक सेकेंड, क्या ओ सेट स्क्रैच तो ये पहले से आई है। अरे यार मुझे पापा डांट भी सकते हैं यार, कहीं कोई आ ना जाए यार। देख लेता हूँ कोई आ ना जाए। एक सेकेंड बेड में यहाँ रख देता हूँ। एक सेकेंड, चलो हेडफोन्स को इधर कर देता हूँ। गाइस थैंक गॉड यार ये बच गया हेलमेट, अगर टूट जाता तो मुझे पापा से बहुत ही डांट सुननी पड़ती। तो चलिए कुछ नहीं हुआ, फाइनली अच्छा हुआ मैं बच गया यार। यहाँ पर बैग पर रख दिया हूँ, क्या पहनता हूँ, चाबी निकालता हूँ, चलता हूँ, लेट्स गो गाइस, निकलता हूँ मैं, जा रहा हूँ। पापा मुझे सामान लेने के लिए बोले थे तो मैं फिलहाल जा रहा हूँ सामान लेने के लिए। हेलमेट तो फाइनली नहीं टूटा, तो मैं सोच रहा था कि हेलमेट पहन के जाऊँगा मैं मार्केट, मतलब कि मुझे ट्रैवल करनी थी कम से कम 7 किलोमीटर, तो मैं सोच रहा था हेलमेट पहन के जाऊँगा, बट नहीं जाऊँगा क्योंकि मुझे हेलमेट की ज़रूरत नहीं है। मुझे हेलमेट उतना भी दूर नहीं जाना, सामने ही जाना, बट अगर हो सके तो मुझे हेलमेट पहन लेना चाहिए क्योंकि रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करते हुए चलना है ना। रूल्स और रेगुलेशन को अगर मैं आज फॉलो नहीं करूँगा तो कल मैं क्या कर सकूँगा, इसीलिए मुझे हैबिट आज से भी डालनी पड़ी। दोस्तों अगर आप लोग भी एक बाइक चलाते तो रूल्स एंड रेगुलेशन का फॉलो कीजिए, ठीक है? तो यही थे, तो चलते हैं फाइनली, तो ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं दोस्तों। चलिए बाय।